जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस यूजिंग सोनोमीटर। ये है मेरा एपरेटस, ये है मेरा सोनोमीटर का बॉक्स जो कि एक हॉलो बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर हम देखेंगे दो ब्रिजेस हैं, ऐसा एक ब्रिज दूसरी साइड भी है सेम बिस बिल्कुल। ये है वायर जिसकी मास पर यूनिट लेंथ मेरे को पता है ऑलरेडी, उसके साथ एक हैंगर अटैच्ड है। और ये है मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वायर के एकदम थोड़ी सी डिस्टेंस दूर पर लगा रखा है। ये है वो वेट्स जो कि मैं हैंगर में डालूंगी और इनका मास बिल्कुल हैंगर के पूरे मास के बराबर है। और मेरे को क्या पता है इस एक्सपेरिमेंट में, मुझे मास ऑफ द वेट इन वेट्स का मासेस पता है, हैंगर का मासेस पता है और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर भी मुझे पता है। ये सब ऑलरेडी अपरेटस के ऊपर लिखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में इन ब्रिजेस की हेल्प से मैं इन ब्रिजेस को मूव कर सकती हूँ। ये मूवेबल ब्रिजेस हैं और इन ब्रिजेस को मूव करके मैं रेजोनेंट लेंथ ऑब्टेन करूँगी। और जब रेजोनेंट लेंथ तब होगी जब वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेगी, तब मैं स्टॉप कर दूँगी और मैं ऑब्जर्वेशंस लूँगी। अब मैं करूँगी कैसे ये एक्सपेरिमेंट, पहले मैंने अपना वेट डाला, जैसे ही मैंने वेट इंक्रीज़ किया मेरा टेंशन बढ़ गया, टेंशन इज़ इक्वल टू एम जी, एम इज़ द मास ऑलरेडी इन द हैंगर। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको धूर ले गई इन दोनों ब्रिजेस को, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड और एक राइट साइड, और अब मैं इन ब्रिजेस को धूर से पास लेकर आऊँगी क्योंकि मैं लेंथ डिक्रीज़ कर रही हूँ जब मैं पास लेकर आ रही हूँ, तो इससे मेरी लेंथ डिक्रीजिंग आएगी। और मैं तब रुक जाऊँगी इन ब्रिजेस की पोजिशन जब मेरे को रेजोनेंट लेंथ मिल जाएगी, यानी कि मेरी वायर मैक्सिमम वाइब्रेट करने लग जाएगी और मैं रीडिंग नोट करूँगी। एक स्केल ऑलरेडी सोनोमीटर पर अटैच्ड है। और दूसरी बात जो मैं ध्यान रखूँगी कि इस ब्रिज के मिडल पॉइंट से मैं रीडिंग और ऑब्जर्वेशन नोट करूंगी, ऐसे ही मैं लेंथ इंक्रीजिंग नोट करूंगी और लेंथ डिक्रीजिंग।